सिलसिला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शिक्षक अनुमोहन फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दर्जनों शिक्षक की नेट की फर्जी डिग्री मिली है। आइए देखते उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर सुभाष चंद्र की यह खास खबर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जौनपुर के संवर DSSA महाविद्यालय दादनपुर अहिरोली घोसी जनपद मऊ में स्व वित्त पोषित शिक्षक के रूप में विज्ञान सकाय में अनुमोदित शिक्षक की UGC नेट की डिग्री वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली CSIR दिनांक 20 अगस्त 2019 की जांच में फर्जी पाई गई है, जिसके आधार पर कुल सचिव पूर्वांचल विश्वविद्यालय सुजीत कुमार जायसवाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 सितंबर 2019 के आधार पर संबंधित शिक्षकों का अनुमोदित विश्वविद्यालय स्तर से निरस्त करते हुए संबंधित महाविद्यालय प्रबंधन से उच्च शिक्षक के विरुद्ध विविध कार्यवाही करने के लिए आदेश दिए गए हैं। UGC नेट की फर्जी डिग्री के आधार पर DSSA महाविद्यालय दादनपुर अहिरोली घोसी मऊ के विज्ञान सकाय में अनुमोदित शिक्षक पतिराम निशान एवं लवकुश त्रिवेदी, जंतु विज्ञान कैलाश सिंह एवं कुपाल सिंह, भौतिक विज्ञान प्रमोद कुमार, अतुल सक्सेना, धर्मचंद्र रसायन विज्ञान तथा विनोद कुमार व नवीन कुमार गणित विषय में अनुमोदित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का अनुमोदन फर्जीवाड़े का खुलासा पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ही एक महाविद्यालय में है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फर्जीवाड़े का यह खेल निर्वात गति से खेला गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के साथ साथ इस प्रकार के फर्जीवाड़े का प्रदेश के आगरा, अयोध्या, कानपुर, बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी एवं झांसी विश्वविद्यालय के कुलपति व कुल सचिव स्वत संज्ञान लेकर विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों में अनुमोदित स्व वित्त पोषित शिक्षकों की PhD एवं नीट की डिग्री की जांच करवाई जाए तो प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्व वित्त पोषित शिक्षक अनुमोदित में डिग्री फर्जीवाड़े का मामला बड़े पैमाने पर सामने आएगा। यह थी सबसे बड़ी खबर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर सुभाष चंद्र की खास खबर। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।